अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कोलंबिया से एक ऐसी खबर आई है जिसके मुतालिक ना हमने देखा और सुना है। यहाँ 17 साल लड़की एक ऐसी कैफियत की शिकार है जिसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं, और वो लड़की लगातार 2 माह तक सोती रही है, लेकिन गहरी नींद के बावजूद लड़की को हर 2 से 3 घंटे के बाद गजा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इसकी वालदा माया गजा तैयार करती है। इस मर्ज को तिब की जुबान में क्लाइन लियोन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। हैरत अंगेज अमरिया ये है कि तिब की तारीख में सिर्फ 40 अफराद ही ऐसे हैं जो इस मर्ज के शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसे मरीजों को तिबी नगदाशत भी जरूरी होती है। शार्क की वालदा मार्लिनी बार बार चंद घंटों के बाद इसके लिए माया खाना बनाती है। इतनी तवील नींद की वजह से बच्ची जज्वी या मुस्तकिल तौर पर याददाश्त की कमी का शिकार हो जाती है। गुज़श्ता वर्ष वो जून में सोई और 48 रोज बाद जागी तो इसकी याददाश्त गायब हो चुकी थी। शार्क खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। इससे कबल वो 60 दिन के लिए नींद में जा चुकी है। इस साल जनवरी और फरवरी के दरमियान वो 22 दिन तक सोई है। इस बार लड़की की मां ने अपनी मुलाजमत को खैर बात कह दिया, ताकि वो अपनी बेटी के खाने और दिगर अमवर का ख्याल रख सके। 2017 में लड़की की वालदा की दरख्वास्त पर शहर के मेयर ने एक मकान देने का ऐलान किया था, ताकि इन्हें किराया ना देना पड़े, लेकिन ये वादा अब तक वफा नहीं हुआ। शारिक की वालदा ने सेहत के जिम्मेदारान से दरख्वास्त की है कि वो इसे गजाई सप्लीमेंट फ्राहम करें। साथ ही इन्होंने बच्चे की दिमागी नहदाशत की दरख्वास्त भी की, ताकि इसका दिमाग मुतासर ना हो और याददाश्त बरकरार रहे। वाजह रहे कि इस मर्ज का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसके साथ एक और अजीबोगरीब वाकया कोलंबिया में पेश आया। जर्मनी के रेस्तोरान में जनाजे की शिरका को गलती से हशीश से बना के खिला दिया गया, जिसकी वजह से बेवा और दीगर 1300 गवारों की तबीयत बिगड़ गई। तिबी इमदाद की फराहमी के बाद तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद इंकशाफ किया है कि जनाजे की शिरका की तबीयत रेस्टोरेंट में केक खाने की वजह से बिगड़ी। केक के तजिये से साबित किया गया कि केक की तैयारी में हशीश का इस्तेमाल किया गया था, जिससे केक खाने वालों को मतली और चक्कर आने की शिकायत हुई। रेस्टोरेंट के मालिक ने वाकये की तहकीक को इंकशाफ करते हुए कहा कि ये केक इनकी 18 साल बेटी ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर जाने के लिए तैयार करवाया था। तहम मुलाजम ने गलती से जनाजे की शिरका के लिए बनाए गए केक की बजाय हशीश वाला केक पेश कर दिया। मुतासरीन ने रेस्तोरान के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और नुकसान के अजले का मुतालबा किया। मुतासरीन की शिकायत पर 18 साल लड़की से गफलत बरतने, जिस्मानी चोट पहुंचाने, जनाजे में खलल डालने और मुंशियात के कानून की खिलाफ वर्जी की दिफात के तहत तफ्तीश की जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।